फारुखाबाद उत्तर सरकार द्वारा स्थापित माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व दर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया, जिसमें डीएम एसएसपी सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जिले से लेकर पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज से लेकर जो भी मिट्टी के बर्तन जो गरीब बनाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। इस बोर्ड के माध्यम से बर्तन बनाने वालों को एक संस्था से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से 22 प्रकार की बीमारियों से बचने के साथ जल स्तर भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत कम समय में तकनीक है, मशीनरी है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी अगर लोगों को? देखिए, ये जानकारी हम आपको दे दें कि अभी हम जो चिन्हीकरण करा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में से, जैसे 92,000 गाँव है उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे पास 11,000 से ऊपर का आंकड़ा हमारे पास आया है, जिसमें 35,000 परिवार मिट्टी से जुड़े हुए पाए गए हैं। उन्हीं परिवारों में से हम अभी चिन्हित करके 2300 लोगों को हम एक आदमी कलर का एक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की जैसे योजना है उसमें से अनुदान की, उसमें 25% की सब्सिडी है, केंद्र सरकार की है उसमें से 35% की सब्सिडी है, उनको सब्सिडी दिला करके उद्योग लगवा करके प्रमोट करने का काम ये बोर्ड करेगा। ये तो बहुत पहले से चल रहा है गाँव में, हमेशा आदमी कूलर का पानी पीता था, अब जब से प्लास्टिक के गिलास चले हैं तब से बीमारियां भी ज़्यादा फैली। बहुत ये तो हम आम लोगों के लिए भी है ना, हम लोगों को भी। अभी आप चले जाएं सब्जी लेने तो आपको भी पानी थी नहीं दे रही है। इसीलिए हम सब कह रहे हैं कि पॉलीथिन पर पूरी तरह से जिले में प्रतिबंध हो, और सभी लोग आम जन भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी घर से थैला लेकर के जाएं। तो सरकारी कार्यालयों में डिस्पोजल गिलास चलते हैं, तो वहाँ क्या मिट्टी के गिलास अभी आप यूज की जाएगी? अभी आपके समक्ष हमने जिलाधिकारी महोदया से कहा है कि निर्देशित करिए सभी विभागों में मिट्टी के कुल्हड़ गिलास का उपयोग हो। ठीक, बिना रजिस्ट्रेशन के ही उनको ले लेगा? देखिए, बड़े जो उद्योग हैं, जो बड़ा बड़ा उद्योग लगाने चाह रहे हैं, जैसे खुर्जा में है तो बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें कई ट्रक माल डेली जाता है, तो वहाँ पर वो तो GST के उसमें आएगा ही। लेकिन छोटे छोटे उद्योग को जैसे हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ जिलों में जाकर बैठ कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कि वो GST देनी पड़ेगी। हम तो स्वयं जो है सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है उनको अनुदान दे करके उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए हम तो प्रोत्साहन कर रहे हैं। लेकिन सर, छोटे व्यापारी तो उस पर रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पोर्टल ऐसा है उस पर GST मांगेगा ही मांगेगा। छोटे बड़े लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं, आपको छोटे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, हम हमारा लक्ष्य है छोटे लोगों को प्रमोट करने। तो वो सरकारी, जो सरकार जो खरीदेगी, जो जिलाधिकारी या जो मीटिंग्स में जो चाय के कुल्हड़ खरीदे जाएंगे, उनमें वो लोग नहीं बेच पाएंगे अपने कुल्हड़? क्यों नहीं बेच पाएंगे सर? वो GST पर रजिस्ट्रेशन जेम पोर्टल से लेंगे ये लोग? जेम पोर्टल पर लेंगे नहीं? अब उनको 1-2 लाख रुपए के लेने होंगे तभी तो जेम पोर्टल से लेंगे, और मान लो लेने हैं 2-4 हज़ार रुपए के तो कहाँ से लेंगे फिर 2-4। ये जिलों में जो हम जो शॉप की व्यवस्था करने जा रहे हैं, शॉप का इसका व्यवस्था सोच रहे हैं कि कहीं हर जिले में एक शॉप की व्यवस्था हो, और जो छोटे छोटे लोग उद्योग जो काम कर रहे हैं वो रखें वहाँ, और रखें तो वहाँ उन पर कोई GST का ऐसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े 5-स्टार होटल वाले खरीदेंगे जेम्स पोर्टल से, या कोई बाहर व्यापार करना चाहेगा, वो उनके लिए व्यवस्था है। वो जो गाँव देहात में चाक लगाकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्या उनसे खरीदारी की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि छोटे जब जो है आम जन इसको जान जाएगा इसकी उपयोगिता। हम लोग आपके माध्यम से यही तो कर रहे हैं, सभी जनों को जाकर के इसकी उपयोगिता बता रहे हैं कि इसकी उपयोगिता क्यों है। इसमें 26 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी लाभदायक हैं, जिनकी कमी की वजह से आज हम तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो पोषक तत्व तो हम लोगों को मिलते हैं। जिस दिन ये जानकारी आमजन को हो जाएगी तो फाइबर वो सब छोड़ देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि महंगा ये प्रेशर कुकर रखा है, ये 700-800 रुपए की कीमत का है, वो भी 800 रुपए का आ रहा है। अब एक से बनने से हमारी बीमारियां शरीर में आ रही हैं, एक के हम यूज करने से बीमारियां दूर हो रही हैं। जिस दिन ये जानकारी आमजन को हो जाएगी तो इसका उपयोग करेंगे, और उपयोग करेंगे तो खरीदेगी, तो उसकी जो बना रहा है उसकी बिक्री होगी ना। समाज को क्या संदेश? पट्टों के आंकड़े आपको सही नहीं मिले हैं? देखिये, ये आंकड़े हमारे पिछले पुराने हैं, हमने कहा है कि हमें तत्काल के आंकड़े चाहिए, पिछले के 2-4 दिन के समय में ये पूरा सर्वे करके हमें तत्काल का दे देंगे। और सभी जनपदों में यह है कि सभी जनपदों में, एक तो माटी कला बोर्ड नया बना है, ज़्यादा जानकारी सबको निचले स्तर पर अभी नहीं है। हमारा प्रयास है, लेकिन फिर भी अन्य प्रदेशों में एक जानकारी मैं आपके माध्यम से दे दूँ, अन्य प्रदेशों में कई साल पहले से माटी कला बोर्ड बना है,
पाँच पाँच साल दस दस साल हो गए, लेकिन यहाँ जो बना है चुनाव से पहले बना था। हम लोग चुनाव में चले गए, सरकार चुनाव में चले गई, हम सब लोग चुनाव में चले गए, क्योंकि मैं भाजपा में मैं भी संगठन में प्रदेश पदाधिकारी हूँ, तो मैं भी हम भी चुनाव में चले गए। चुनाव के बाद हमने इतना किया कि मेरा 20वां जिला है ये, और निचले स्तर पर पूरे ये माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश का आज भारत में प्रचार प्रसार के विषय में और नंबर 1 पे है। ये उपलब्धि हमारे यहाँ बहुत